यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, सम्मानीय अतिथिगण, नागरिक वृंद, आज का जो मेल है वो अभी तक जो हुआ उसको एक दूसरे के साथ में मिल बांटने के लिए और आगे के अभियान का स्वरूप आपके बीच में बताने के लिए ही आज की ये उपस्थिति है। इसमें आज मंच पर वह सभी लोग विराजमान हैं जो गंगा समग्र अभियान के प्रेरक तत्व बने। जब से गंगा जी धरती पर आई हैं तब से गंगा की पावनता और शुचिता को बनाए रखने के लिए करोड़ों ऋषियों और मुनियों ने और नागरिकों ने तपस्याएं की हैं और प्रयास किए हैं। इसलिए हम कोई नए हैं और पहले हैं ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं और आगे भी वो प्रयास रहेंगे, उनमें हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए बहुत बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े महापुरुष तपस्याएं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण धारी देवी नाम के अलकनंदा के तट पर एक स्थान को डूब में आने से बचाने के लिए अभियान प्रारंभ हुआ और वो गंगा समग्र अभियान में परिवर्तित हो गया। यद्यपि गंगा समग्र अभियान जब इसका नाम पड़ा, ये तब पड़ा जब यात्रा शुरू हुई, लेकिन इसको हमने पूरी तरह से अराजनैतिक रखा, पूरा अभियान अराजनैतिक चला, यानी राजनीति से अलग हट करके चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसी नाते से आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरक तत्व तो इस अभियान के लिए थे उनको आज हमने आमंत्रित किया। जिस दिन मैं विधिवत औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई उस दिन नितिन गडकरी जी के घर पर रामलाल जी थे। बात आई कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, तो एक डेढ़ महीना हो चुका था गंगा अभियान शुरू हो गए, तो एक अड़चन आ रही थी कि इसके बाद गंगा अभियान में कहीं कोई दिक्कत मुझे तो नहीं आएगी। तो उसका समाधान हुआ जब माननीय रामलाल जी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भी गंगा अभियान को देखिए। इसके पहले गंगा सेल के नाम से नितिन गडकरी जी इंदौर की राष्ट्रीय परिषद में भारत की सभी नदियों को जोड़ना और उसमें गंगा को तो एक उसका प्रतीक मानना, ऐसा सोच करके गंगा सेल का वो गठन कर चुके थे जिसके प्रभारी राजनाथ जी थे। और संयोग से जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही थी तो वहाँ वही भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आज से गंगा सेल ही उमा भारती जी को आप दे दीजिए, वो इसको देखें। और इस तरह से गंगा अभियान औपचारिक तौर पर मेरे को मिलना चाहिए ये निर्णय हुआ उसी दिन जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही थी। जब उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तब भी हम गंगा से अलग नहीं हुए, हम बड़ी शांति से गंगा का कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे, क्योंकि हम माँ को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि राजनीतिक उठा पटक के बावजूद भी हम तुमसे अलग नहीं होंगे। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई तो एक दिन नितिन गडकरी जी ने, हमारी और नितिन गडकरी जी की बात हो रही थी, तो नितिन गडकरी जी ने मुझको पूछा कि आपको ऐसा कब लगेगा कि when we feel that you have arrived। तो मैंने कहा कि when गंगा work is done, जिस दिन गंगा का काम हो जाएगा उस दिन मुझे लगेगा कि जिंदगी सफल हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तो अब चुनाव खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के और अब हम पूरा आपका सहयोग करेंगे और आप गंगा में लगिए। और इस प्रकार से गंगा अभियान के प्रथम चरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर ये निर्णय हुआ सभी महापुरुषों के साथ में, जो अन्य संगठनों के हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, कि इस अभियान को अराजनैतिक चलाना है। तो जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया, हमने पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक किया गंगा जल लेके और महादेव से प्रार्थना की कि यदि गंगा भारत भूमि पर नहीं रहेंगी तो हमें आपका अभिषेक करने में ही कठिनाई आएगी, इसलिए गंगा को भारत भूमि पर बनाए रखने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करिए। इसके बाद में गंगा जल वितरण का काम आया। जब गंगा जल वितरण का काम आया तो सभी सांसदों से मिलना और उनको गंगा जल देना ये बड़ा कठिन काम था। संख्या भले ही 790 थी सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा की, लेकिन अचानक जैसे भगवान अपना विराट रूप दिखाता है, इसी तरह से गंगा जल वितरण के लिए करीब 100-150 विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 725 सांसदों को गंगा जल बांटा। और जब गंगा जल बांटा, वो गंगा जल बांटने के अभियान के जो घटनायक थे वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदेशों के संयोजक तो हैं ही गंगा अभियान के, गंगा जल बांटने के अभियान के घटनायक भी आज यहाँ आए हुए हैं। वो वास्तव में मेरे लिए तो ईश्वर का रूप थे, क्योंकि एक हफ्ते में सभी सांसदों को गंगा जल बांट देना ये अपने आप में अलौकिक था। और गंगा जल ऐसे नहीं बांटा कि उनके हाथ में दे दिया उन्होंने कहा ठीक है, नहीं,
वो चप्पल उतार के खड़े हुए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, हाथ में गंगा जल लिया और गंगा के बारे में अपनी टिप्पणियां की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी थी एक मुस्लिम सांसद की जो कश्मीर के थे, जिन्होंने कहा कि उमा भारती को कहना कि जब भी गंगा के बारे में कानून बनाने की बात पार्लियामेंट में आएगी तो वो जो हमसे कहलवाना चाहती हैं वो हम कहेंगे, हमको लिख करके भेज दें कि वो हमसे क्या कहलवाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं ने कहा, अरे भाई हम और मामलों में लड़ सकते हैं लेकिन गंगा के मामले में हम एक हैं, चाहे दक्षिण के हों, चाहे उत्तर के, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के, किसी भी जाति के हों, जमात के हों, और किसी भी पूजा विधि को मानने वाले हों, सबने यही कहा कि गंगा के बारे में हम एक हैं। और इस तरह से जब लोकसभा और राज्यसभा के लोगों का अभिमत मिला तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। उसके बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को स्वयं गंगा जल देने के लिए गई और उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने जब उनको कहा कि जब गंगा के लिए टिहरी बांध बना था तो उस समय पर जो धरासू से एक गंगा जी की धारा छोड़नी थी आगे गंगा जी में मिलाने के लिए, तो बांध तो बन गया लेकिन वो धारा नहीं छोड़ने के कारण गंगा जलाशय में बदल गई और उस समय उसका करीब 300 करोड़ का खर्चा था। अब अगर आप चाहें तो भारत सरकार को प्रेरित कर सकते हैं कि गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए, हो सकता है अब 1000 करोड़ खर्च हो गया हो, वो धारा निकले। तो प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि मैं तो शुरू से ही, जब मैं मंत्री था तब से इस बात को मानता हूं कि 1000 करोड़ खर्च हो जाएं लेकिन गंगा की अविरलता और निर्मलता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को भी मैंने गंगा जल भेंट किया और उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता गंगा जी के प्रति बताई। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी को मैंने गंगा जल अर्पित किया और मैंने कहा कि एक कठोर कानून गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जब भी संसद में प्रस्तुत हो तो उस समय पर जैसे कश्मीर के लिए निर्विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था, इसी प्रकार से गंगा के लिए भी निर्विरोध प्रस्ताव पारित हो जाए, इस तरह की स्थितियां संसद में बने। तो मीरा कुमार जी ने मुझे अपनी लिखी हुई कविता भी सुनाई, बहुत उदास है गंगा, और उन्होंने कहा कि भले ही हमारे और आपके दृष्टिकोण में गंगा के प्रति अंतर होगा लेकिन आस्था में अंतर नहीं है, गंगा के प्रति समर्पण में अंतर नहीं है। जिसको आप धार्मिक सरोकारों से देखती हैं उसको हम धार्मिक और सामाजिक दोनों सरोकारों को मिला करके देखते हैं। और फिर उसके बाद में गंगा यात्रा प्रारंभ हुई, गंगा सागर से चली और गंगोत्री तक पहुंची। हमको जब बंगाल में यात्रा प्रारंभ हुई तो पता लगा सभा नहीं हो सकती, भाषण नहीं हो सकता, माइक नहीं बच सकता, तो हम पहले तो हिचक गए कि क्या करें, क्योंकि ममता बनर्जी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, तो करें क्या, टकराव लें कि ना लें, क्या करें। एफडीआई का मामला था, जो ममता कह रही थी वो हम भी कह रहे थे, तो स्थितियां ऐसी थी कि एफडीआई पे हम एक थे लेकिन गंगा पे उनका मत अलग हो गया था। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि एफडीआई उतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती जितनी की अकेली गंगा की धारा लोगों को रोजगार दे सकती है, और इसलिए हम बड़े पेशोपेश में थे कि ऐसे में करें क्या। तो अंत में हमने तय किया कि अगर गंगा की धारा किसी राज्य सरकार की परमिशन के बिना बहती है तो गंगा की यात्रा भी बिना परमिशन के चलेगी और जो होगा सो देखा जाएगा। तो मंच नहीं था तो हमने गाड़ी से ही भाषण किए और भाषण करते हुए हम बंगाल से निकल गए और बंगाल में जिस प्रकार का अभूतपूर्व स्वागत हुआ वो तो कभी हमें भूलेगा ही नहीं, क्योंकि बंगाल में दो चीजें मिली हुई हैं, वहां शौर्य है और वहां मिठास है। शौर्य और मिठास का जो संगम है, भक्ति और शक्ति का जो संगम है, वो बंगाल के जैसा शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। इसके बाद झारखंड में आए, झारखंड में तो यात्रा अद्भुत थी। उसके बाद में फिर बिहार में पहुंचे, बिहार में और झारखंड में तो गंगा के प्रति जो धारणा है गीतों में ही वो देखने को मिलती है। फिर उत्तर प्रदेश में पहुंचे, सबसे लंबी यात्रा उत्तर प्रदेश की थी। बिहार में एक जगह पर 11,000 महिलाओं ने उपवास किया, हाजीपुर में एक दिन का उपवास रखा यात्रा के समर्थन में, और उन सबको गंगा जल बांटा गया। इस प्रकार से हम अंत में गंगोत्री पहुंच गए और गंगा यात्रा संपूर्ण हुई। लाखों लोगों ने इस यात्रा में हमारा सहयोग किया, हमारा समर्थन किया। उसी में हमने लोगों को अनुरोध किया गंगा और की अविरलता और निर्मलता के लिए। दिक्कत थोड़ी सी आई जब हम हरिद्वार पहुंचे तो मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ हमारे जो विपरीत विचारधारा वाले संगठन है, वामपंथी संगठन, कुछ उन्होंने ऐसा बना दिया है वातावरण उत्तराखंड में कि हम उत्तराखंड के बांधों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं और हम उत्तराखंड के विकास को रोकने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब मैं चंबा पहुंची तो वहां बहुत बड़ी सभा थी, उत्तराखंड की पहली सभा चंबा में थी और वहां बहुत ही सुधीजन आए हुए थे और वो बड़े सशंकित भाव से मुझे सुन रहे थे कि मैं आखिर कहती क्या हूं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो हाथ में काला झंडा लिए हुए थे कि अगर गड़बड़ बोलेंगी तो हम जरूर दिखा देंगे और नहीं बोलेंगी तो नहीं दिखाएंगे।
और हमने जब मैंने जब वहां अपने दिल की बात लोगों को कही, मैंने कहा मेरी इच्छा तो एक ही है, बिजली बने, रोड बने, विकास हो, रोजगार हो। उत्तराखंड तो हमने ही बनाया। उत्तराखंड के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर ही निर्णय हुआ, इसलिए जिसको हमने बनाया उसको हम भूखा क्यों मरने देंगे। माँ कभी अपने जन्म दी हुई संतान को भूखा नहीं मरने देती है। आपके रोटी और रोजगार हम नहीं छीनना चाहते। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा कि बांध की उम्र तो 40-50 साल की होती है और नदी बनाई नहीं जाती, नदी का अवतार होता है, नदी प्रकट होती है, नदी को बनाया नहीं जाता है। इसलिए नदी के अस्तित्व को नष्ट नहीं करना, किसी भी नदी के अस्तित्व को नष्ट नहीं करना। बांध भी बने और एक धारा अविरल भी बहनी चाहिए, और अविरलता ही निर्मलता की गारंटी है। जब ये बात हुई तो उत्तराखंड के लोगों ने इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हम तो खुद चाहते हैं कि गंगा की एक धारा अविरल बहे। इसलिए हमने कहा कि बांधों का प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि गंगा की एक धारा अविरल बहे, यही हम चाहते हैं, यही हमारा मंतव्य है। हम उत्तराखंड का विकास और आपकी रोटी और रोजगार हम नहीं रोकना चाहते हैं। और इसका परिणाम निकला कि उत्तराखंड के लोगों के संशय दूर हुए। चंबा में हमारा अभूतपूर्व स्वागत हुआ, वहाँ की जो सांसद थी पीछे की तरफ की टिहरी की, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और जब हम पैदल चले, वो बिल्कुल नई नई निर्वाचित सांसद थी, महारानी है वहाँ की, वो भी हमारे साथ में पैदल चली और अंत में हम गंगोत्री पहुँचे। इस तरह से गंगा यात्रा संपूर्ण हुई। फिर मानव दीवार बनी, 21,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं गंगा चौकी का सदस्य बनने के लिए, गंगा सागर से गंगोत्री तक। और जब मानव दीवार बनी तो मानव दीवार में तो 2-3 लाख से भी ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हम गिन रहे हैं कि कहाँ कहाँ मानव दीवार बनी और कितने लोगों ने उसमें भागीदारी की। मानव दीवार का मतलब है कि लोग गंगा के तट पर इकट्ठे हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके माँ गंगा को ये वचन दिया। 2 दिसंबर को बनी मानव दीवार और माँ गंगा को ये वचन दिया कि माँ हम मन वचन और कर्म से तुम्हारी निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और जैसी राजा भागीरथ ने हमको गंगा सौंपी थी वैसी ही गंगा हो सके, इसके लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। और इस तरह से मानव दीवार बनी 2 दिसंबर को। अभी एक कार्यक्रम और था अधिवेशन का, जिसको कि हम फरवरी या मार्च में करेंगे, जिसमें कि वैज्ञानिक लोग एकत्रित होंगे विश्व के और भारत के भी, और जो गंगा के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पक्ष को भारत के लोगों के सामने रखेंगे। और इस तरह से गंगा अभियान यहाँ तक पहुँचा। जिनकी वजह से गंगा अभियान यहाँ तक पहुँचा, कुछ ऐसा कारण बना होगा। आडवाणी जी गंगोत्री में थे, गंगोत्री में आए गंगा स्पर्श अभियान के लिए। मैं तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, लेकिन गंगोत्री का पट खुलने से पहले, 1 महीने पहले से ही मैं गंगोत्री में थी। तो वहाँ पर एक संत जो बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, स्वामी चिदानंद जी, उनको पता लगा कि मैं वहाँ हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे मंच पर ले आए आडवाणी जी के पास। और तब मैं भाजपा में नहीं आई थी, तो एक प्रकार से गंगा ही कारण बनी आडवाणी जी के साथ में मुझे औपचारिक तौर पर फिर से जोड़ देने के लिए। और मैं आडवाणी जी के साथ गंगोत्री में मंच पर बैठ गई और वहाँ से गंगा के बारे में जब मैं आडवाणी जी से बात करने के लिए हरसिल आई तो हमारी बातचीत हुई गंगा के विषय में। और मैंने उनको हरसिल की और गंगोत्री की कुछ और बातें भी बताई जो मैंने संतों के मुंह से सुनी थी। आडवाणी जी ने ही स्पर्श गंगा अभियान उत्तराखंड में शुरू किया। वास्तव में आडवाणी जी वैसे ही हैं जैसा कि गंगा का जल है, वो निर्मल है, अविरल है। उनका जीवन गंगा की तरह पवित्र है और शुचिता से पूर्ण है। मैं उनको उतना ही जानती हूं जितनी कि उनकी बेटी जानती है, मेरी मित्र प्रतिभा जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितना वो उनको जानती हैं उससे शायद थोड़ा ज्यादा ही मैं आडवाणी जी को जानती होंगी, क्योंकि प्रतिभा व्यक्तिगत तौर पर उनका आकलन करती होंगी, मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तौर पर उनका आकलन करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि भारत की राजनीति में चाहे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं एक सवाल उससे करूँ कि बताओ आडवाणी जी का जीवन गंगा के जैसा निर्मल है या नहीं, तो वैचारिक तौर पर भी जो आडवाणी जी के विरोधी होंगे वो आडवाणी जी के बारे में यही राय रखते हैं कि गंगा जी के समान ही आडवाणी जी का चरित्र निर्मल है। और इसलिए आडवाणी जी हमारे इस गंगा अभियान के प्रेरक तत्व बने। और कभी भी मैंने उनको ये कहा कि दादा राष्ट्रपति जी के पास चलना है या प्रधानमंत्री जी के पास चलना है या मुझे जयंती नटराजन जी से गंगा जी के बारे में बात करनी है, तुरंत फोन उठाया और आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट मांगा कि उमा को लेकर के हमको आना है, जिसमें सुषमा जी भी गई, नितिन गडकरी जी गए, अरुण जेटली जी गए, और हमने गंगा के विषय में प्रधानमंत्री जी से आडवाणी जी के नेतृत्व में बात की। नितिन गडकरी जी विकास के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जो हमने उनका तब देखा जब वो अपने प्रदेश में मंत्री थे। और जब मैंने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा तो नितिन गडकरी जी को मैंने कहा कि आप हमें सुझाव दीजिए
क्योंकि मध्य प्रदेश के रोड बहुत खराब थे, कि हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश को विकसित कर सकें। तब से नितिन गडकरी जी विकास की प्रक्रियाओं के लिए हमारे प्रेरक तत्व बने। लेकिन जब मैं भाजपा में आई तब पता लगा कि वो भारत की नदियों को अविरल और निर्मल बनाए रखने के लिए एक अलग सेल बनाए हुए हैं कि जल प्रबंधन बेहतर बेहतर कैसे हो, और इसमें गंगा एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए, क्योंकि हमको पहले एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा और वो मॉडल गंगा होनी चाहिए। और इसलिए नितिन गडकरी जी ने अपनी तरफ से कोई सहयोग देने में कमी नहीं रखी। और आज मैं नितिन गडकरी जी का और उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगी कि जब हमारे वरिष्ठ जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने यह फैसला किया कि गंगा का अभियान राजनीतिक नहीं होगा लेकिन सहयोग की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी, तो ये बड़ी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि बिना हमारा नाम, बिना हमारा झंडा, बिना हमारी चर्चा भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा और गंगा का अभियान चलेगा और हम इसके पीछे खड़े होंगे। सचमुच में जिस आग में जलते हैं लोग नुमाइश के लिए, जिस आग में जलते हैं लोग नुमाइश के लिए, हम उस आग में गुमनाम से जल जाते हैं। और सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, नाम नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब नितिन गडकरी जी ने उनको प्रेरित किया तो एक शक्ति के रूप में इस अभियान के पीछे खड़े हुए। इसी प्रकार से माननीय रामलाल जी हमारे संघ के प्रचारक हैं और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। मैं तो जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो मेरे एक गुरु ही जिनने मुझे संन्यास की दीक्षा दी, लेकिन मैंने जिनसे ये सीखा कि कठिन से कठिन समस्या को भी मुस्कुराते हुए कैसे सुलझा देना, वो मैंने माननीय रामलाल जी से सीखा है। कठिन से कठिन समस्या होगी और उसको हंस करके सुलझा देना। गंगा अभियान में भी कई बार मैं उनके सामने बैठ जाती थी, ये दिक्कत है, लेकिन अरे मैं सब ठीक किए देता हूँ, और ऐसे कह करके उस समस्या का समाधान कर देना। वो हमारे प्रेरक तत्व हैं। आज तीनों महापुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। आगे भी गंगा का अभियान चलेगा क्योंकि गंगा हमारी पहचान है। जैसा कि प्रतिभा ने अपनी सीरी समाप्त करते हुए, मैं प्रतिभा को भी अपना गुरु मानती हूँ और मैं इसलिए उसको अपना गुरु मानती हूँ क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति को भी वो जिस सहजता के साथ में पार कर जाती है, जैसे हमने गंगा में उछाल मारती हुई डॉल्फिन्स को देखा है, इसी तरह से मैंने उसको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उछाल मारते हुए देखा है बिना किसी कठिनाई के। और वो चीज मेरे लिए इतनी बड़ी शक्ति का कारण बनी है। इसलिए जब गंगा का मुझे ध्यान आया, आप यकीन करिए प्रतिभा लाल कृष्ण अडवाणी की बेटी है, इस पर प्रतिभा बहुत गर्व करती है कि मैं एक महान पिता की पुत्री हूं, और वो कहती है कि यही पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन प्रतिभा की एक और पहचान है जो मेरे लिए बहुत बड़ी है, और वो यह है कि वो सुख में और दुख में समान और सहज रहती है, और ये चीज मेरे लिए 20 साल से प्रेरक तत्व का काम करती है। ये प्रतिभा का और मेरा जो निजी संबंध है, इसका कभी मैंने रहस्योद्घाटन नहीं किया है। आज मैं उसका उद्घाटन कर रही हूं कि जिस सहज भाव से वो कठिनाइयों में उछाल मार जाती है, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरक तत्व बनी, क्योंकि मैं इमोशनल हूं, ओवर इमोशनल हूं। और इसलिए प्रतिभा, जब गंगा की याद आई तो मुझे प्रतिभा की ही याद आई कि प्रतिभा ही सीढ़ी बनाएगी, और मैंने कहा कि प्रतिभा आपको ही गंगा के लिए सीढ़ी बनाना है और हमें लोगों को गंगा की महिमा बतानी है। और इसके लिए मैं बहन प्रतिभा का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक प्रेरणा के तत्व का काम किया। और मेरे छोटे भाई मुरलीधर राव जी जो रामलाल जी के सहयोगी रहे पूरे गंगा के अभियान में, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामलाल जी बड़े भाई, मुरलीधर राव जी छोटे भाई, और दोनों ने जिस तरह से अभियान में मुझे संभाला, और मुझे यकीन है कि आगे भी संभालेंगे, तो मुझे वैसे ही लगता है जैसे जगन्नाथपुरी में समुद्र की लहरों से डर रही है सुभद्रा, और एक तरफ बड़े भाई बलराम है और दूसरी तरफ छोटे भाई कृष्ण है, और उसके बीच में सुभद्रा बैठी हुई है निर्भय होकर के। मैं बड़े भाई रामलाल जी और छोटे भाई मुरलीधर राव के बीच में सुभद्रा की तरह ही बैठ जाती हूँ, और मुझे लगता है कि वो सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। यहाँ और भी हमारे वो सभी सहयोगीगण मौजूद हैं जिन्होंने गंगा के यात्रा में सहयोग किया। अब नाम लेना शुरू करूंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए प्रतिभा ने जो सीरी के अंत में गाया कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम यही चाहते हैं कि आगे ये ना हो जाए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में FDI बहती है और गंगा बिल्कुल नहीं बहती है। ऐसी स्थिति हमें नहीं बनानी है, हमें यही पहचान बनाए रखना है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और हमें ध्यान रखना है गायत्री मंत्र भारत माता का मंत्र है, गौ माता भारत माता का मन है, गंगा माता
भारत माता का प्राण है और गौरी यानी कि भारत की नारी भारत का सम्मान है। इसलिए नारी के सम्मान के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गौ माता की रक्षा हम प्राणपण जुटा करके करेंगे, क्योंकि यही भारत की पहचान है, इसी से भारत का अस्तित्व है। आज नारी की मर्यादाओं की चर्चा सर्वत्र है। एक पुरानी कविता महिलाओं के बारे में थी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। आज तो मैं पूरे देश की महिलाओं को कहूंगी कि करो नया संकल्प, अभी तुम अब गढ़ लो नई कहानी, या तो जीजाबाई बनना या बनना झांसी की रानी। अब वो कविता पुरानी हो गई, नई कविता यही है कि या तो जीजाबाई बनना या बनना झांसी की रानी। जो गंगा की हालत है वही हमारे देश में नारी की हालत है। जैसे हमें गंगा के सम्मान शुचिता और अविरलता को बनाए रखना है, इसी प्रकार से हमें नारी के सम्मान शुचिता को और अविरलता को बनाए रखना है। मैं यही संकल्प अपने जीवन के तीन विशिष्ट व्यक्ति जिसमें एक ने मुझे राजनीति की शुचिता का पाठ मुझे नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को और भारत की राजनीति के सभी लोगों को सिखाया, माननीय अडवाणी जी यहाँ पर मौजूद है, नितिन गडकरी जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की वो यहाँ पर मौजूद है, और त्याग तपस्या के अधिष्ठान पर संगठन को खड़ा करने की जो सीख हमें मिली है वो रामलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज जो गंगा अभियान के प्रांतों के संयोजक यहाँ आए हैं और जो इससे जुड़े हुए हमारी टीम के सभी लोग यहाँ आए हैं, उन सबके सामने मुझे तीनों से एक ही प्रार्थना करनी है कि गंगा अभियान अभी शुरू हुआ है और ये तब तक चलेगा जब तक कि हम गंगा को अविरल और निर्मल बहता हुआ नहीं देख लेंगे, और जब तक कि हम कानपुर की गंगा का एक लोटा पानी नहीं पी लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा यदि कहीं है तो कानपुर में है। और हमारा संकल्प है कि हमें कानपुर की गंगा का एक लोटा पानी जिस दिन हम पी सकेंगे उस दिन हम मान लेंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तब तक हम काम करेंगे। आपकी छत्र छाया, आपकी प्रेरणा और आपके आदर्श हमें चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत वंदन।